अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको डिस्कस करना है। स्केलर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इससे पहले हम देख चुके हैं वेक्टर एडिशन में, और हमने लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने जो सॉल्व किया था ये सॉल्व किया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बाय डेफिनेशन हमें ये पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका जो आंसर आता है वो है ए बी इंटू कॉस थीटा। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर वन, ये हमने प्रूव किया था। फिर हमने लिखा था जी अगर b वेक्टर डॉट a लिखें, b डॉट a, इसका आंसर आया था b a इंटू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दें। पहली इक्वेशन जो है ये हमने सॉल्व की थी, एक वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर b था, और वेक्टर b के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एक पार्ट जो थीटा की डायरेक्शन में था b कॉस थीटा, और a वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, तो ये आंसर आया था। सेकेंड इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, अगर हमारा एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो है बी, और इनके बीच में एंगल थीटा, ए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद एक वेक्टर ए का जो पार्ट मिला था वो था ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा और बी को मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू सॉल्व की थी बी ए कॉस थीटा, जो कि बी डॉट ए है। अब देखो राइट साइड पर हमें ये पता है कि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ए बी मैग्नीट्यूड है, बी ए मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बी ए की जगह आप ए बी लिख सकते हो, या ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो एज वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए किसके बराबर आ गया, ए बी सॉरी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, क्योंकि ये नंबर हैं मैग्नीट्यूड हैं, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर टू में, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी और साथ में कॉस थीटा। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप देखो कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर थ्री, इनकी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। राइट हैंड साइड ए बी कॉस थीटा, और इधर भी ए बी कॉस थीटा, या इस ए बी कॉस थीटा की वैल्यू हमने सॉल्व की है बी डॉट ए, इसको यहाँ पे पुट कर दो, अदरवाइज आप इनको कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री, तो राइट हैंड साइड को आप कंपेयर कर लो, राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इट मीन्स के कम्यूटेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इन स्केलर प्रोडक्ट। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगली प्रॉपर्टी हम जो सॉल्व करेंगे वो है व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, पहले था हमारा कम्यूटेशन रिलेशन, अब हमने देखना है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा इसका आंसर बनेगा ज़ीरो। कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो इट मींस अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो है वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है जी ए डॉट बी की, ए डॉट बी की जो डेफिनेशन है वो है ए बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो ए और बी इनके बीच में अगर एंगल है 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90।
कॉस 90 डिग्री जो होता है इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो। तो कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो डिग्री इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद अगला पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो है फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इन दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट बनेगा वो एक दूसरे के क्या होगा, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट निकल के आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखो, अगर एक वेक्टर हमारा ए है, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अगर ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा की वैल्यू हमेशा फिर क्या होगी, ज़ीरो डिग्री। अगर ए और बी पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू है ज़ीरो डिग्री और आपका जो आंसर बनेगा वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, थीटा की जगह हमने लिखना है ज़ीरो डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। तो ए और बी कॉस ज़ीरो की वैल्यू आ गई वन, कॉस 90 डिग्री इसका आंसर होता है ज़ीरो और कॉस 0 डिग्री इसका आंसर होता है 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, ये हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व कर ली। और उसके बाद है व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, फॉर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इस केस में थीटा की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर राइट की तरफ है तो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट होगा और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल को अगर हम सॉल्व करें तो ए डॉट बी का आंसर है ए बी इक्वल ए बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, 180 डिग्री। ए बी रहेगा, कॉस 180 का आंसर माइनस वन, तो आंसर आएगा माइनस ए बी। तो ए डॉट बी इसका आंसर हमें क्या मिला, माइनस ए बी। अब आप देखो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के चलें इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, ए बी कॉस 180 का आंसर माइनस वन, तो आंसर आएगा माइनस ए बी। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो आंसर आया माइनस ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इनका जो प्रोडक्ट है ए डॉट बी ये क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, जैसे हमने ये लिखा है सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो डिग्री, और थीटा की वैल्यू ज़ीरो, तो ए डॉट बी इसका आंसर हमें मिलेगा मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं। और अगर एक वेक्टर राइट की तरफ है और दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट है, एंगल बनेगा 180, तो ए डॉट बी इसका आंसर हमें मिला नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये है मिनिमम। परपेंडिकुलर के केस में वैल्यू ज़ीरो, पैरेलल के केस में मैक्सिमम और मिनिमम आएगा एंटी पैरेलल के केस में। तो ये जो बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे आती है, एमसीक्यू आपको मिलेगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो है इसका ताल्लुक
प्रॉपर्टी नंबर टू से, और प्रॉपर्टी नंबर टू में हमने क्या देखा कि दो वेक्टर एक दूसरे पे कैसे हैं, दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। हमने यहाँ पे अब देखना है कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास एक वेक्टर है ये एक्स एक्सिस, उसके बाद फिर वाई एक्सिस, और उसके बाद फिर जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे होगा? आउटवर्ड। तो ये हमारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम लिखते हैं जे यूनिट वेक्टर से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं? के यूनिट वेक्टर से। अब अगर आई और जे इनके बीच में एंगल 90, जे और के बीच में एंगल 90, और के और आई के बीच में एंगल 90, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये हमारी प्रॉपर्टी है अगली जी। अच्छा जी, और कौन से यूनिट वेक्टर? वो जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, एक वेक्टर आई दूसरा जे। हमारा जो फार्मूला है वो है ए डॉट बी, इसका आंसर है ए बी कॉस थीटा, ये हमारी डेफिनेशन है, इसको हमने लेके चलना है। अब देखो ए की जगह मैं लिखूंगा आई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक आई यूनिट वेक्टर को, दूसरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ जे यूनिट वेक्टर को, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आप देखो आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, पहले नंबर पे ए है तो मैंने लिखा ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आई है तो मैं क्या लिखूँगा पहले नंबर पे? आई का मैग्नीट्यूड। फिर मेरा बी है तो मैं लिखूँगा बी का मैग्नीट्यूड, और ये जे है तो मैं लिखूँगा जे का मैग्नीट्यूड। उसके बाद साथ में कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा। लेकिन आई और जे के बीच में थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? वो होगी 90 डिग्री। कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है, चाहे आई यूनिट वेक्टर, चाहे जे यूनिट वेक्टर, चाहे के यूनिट वेक्टर, इन सब का आंसर होता है 1। कोई भी जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 90, इसकी वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी? 0। आंसर आपके पास आएगा 0। तो आई डॉट जे इसका आंसर कितना आया? वो 0। तो देखो हमने ये देखा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो आंसर क्या मिला? 0। तो यहाँ पे जब यूनिट वेक्टर आएंगे तो यूनिट वेक्टर का आंसर जो है वो भी क्या मिलेगा? वो भी हमें मिलेगा 0। अब अगली बात ये है, अगर मैं सॉल्व करूं एक जे यूनिट वेक्टर और एक के यूनिट वेक्टर, तो आई से हम किधर पहुंच गए? जे। एक मेरे पास है जे यूनिट वेक्टर और एक मेरे पास है के यूनिट वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब फार्मूला मेरे पास क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? ए की जगह मैं लिखूंगा जे यूनिट वेक्टर डॉट बी की जगह मैं लिखूंगा के यूनिट वेक्टर। अब ए है तो ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जे है तो जे का मैग्नीट्यूड, फिर के है तो क्या लिखेंगे? के का मैग्नीट्यूड, और साथ में जे और के, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना बना? 90। तो साथ में हम क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है वो है 0। तो कोई भी जो यूनिट वेक्टर है इसका आंसर जे मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 90, इसका आंसर आ गया 0। तो आंसर आपके पास आएगा 0, जे डॉट के इसका आंसर हमें क्या मिला? 0। और उसके बाद है हम सॉल्व करेंगे अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का अगला पार्ट वो है के से आई। तो अगर हम के से आई जो है इसको सॉल्व करें तो फिर हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा? तो के डॉट आई, के से आई इसको सॉल्व करना है। तो देखो के है यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे? के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई, आई यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा।
तो के और आई के बीच में एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री। के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, आई का 1 और कॉस 90, इसका आंसर होता है 0। तो के डॉट आई, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 0। अब आप देखो, हमने ये जो तीन प्रॉपर्टीज सॉल्व की हैं, आई डॉट आई, जे डॉट के और के डॉट आई, चूँकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 0। तो वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में हम जो बनाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, किसका प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का, जब एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आई डॉट जे, इसका आंसर मुझे मिला 0, और जे डॉट के, इसका आंसर मिला 0, और उसके बाद के डॉट आई, इन तीनों का आंसर मिला है मुझे 0। तो ये मैंने एक तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तीनों यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने के बाद एक सिंपल केस जो है वो बना दिया। अब मैं सॉल्व करूँगा इस पार्ट को, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरालल हैं, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरालल हैं, तो इनका आंसर हमें क्या मिला था, इनका आंसर हमें मिला था ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर हम पैरालल को सॉल्व करें इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो फिर हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा। अच्छा, इसके लिए क्या होगा जी, इसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक डायग्राम, और हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के यूनिट वेक्टर। इस एक्सिस के पैरालल एक और एक्सिस जो है वो ड्रा कर लें। तो इस एक्सिस के पैरालल जो मैंने वेक्टर ड्रा करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर। अब मैं सॉल्व करूँगा दो पैरालल वेक्टर्स को। एक पैरालल वेक्टर मेरा है आई यूनिट वेक्टर, और दूसरा पैरालल वेक्टर है मेरा जे यूनिट वेक्टर। और आई डॉट आई, ये हम सॉल्व करेंगे, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमारा जो फार्मूला है वो है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा। अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, डॉट बी की जगह पे आई यूनिट वेक्टर। तो ए है तो ए का मैग्नीट्यूड, अब आई है तो क्या लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, फिर अगला आई, इसका मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, दोनों आई सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई, 0। आई यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, आई यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 0 जो है इसका आंसर होता है 1। आंसर आपके पास आएगा 1, आई डॉट आई, इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 1। 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट निकला है। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें जे डॉट जे को, तो ए की जगह अब मैंने क्या रिप्लेस करना है, ए की जगह मैंने रिप्लेस करना है जे, तो जे यूनिट वेक्टर। बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, डॉट जे यूनिट वेक्टर, जे है तो मैं क्या लिखूंगा, जे का मैग्नीट्यूड, बी है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, फिर जे का मैग्नीट्यूड, ये जे का मैग्नीट्यूड, फिर ये अगला जे का मैग्नीट्यूड, लेफ्ट हैंड साइड पे जे डॉट जे हैं और साथ में कॉस थीटा। अब देखो जे और जे ये किधर जा रहे हैं, ये दोनों अप साइड पे जा रहे हैं, जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, थीटा की वैल्यू आ गई 0, और कॉस थीटा, अब कोई भी जो यूनिट वेक्टर है, चाहे आई चाहे जे चाहे के, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 0, 1 इंटू 1 और कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1, तो जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, आंसर कितना आया, आंसर आया 1।
तो देखो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे, ये हमने परपेंडिकुलर को सॉल्व किया, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब का आंसर क्या मिला? ज़ीरो। और अब सेम वाले सॉल्व करें, आई डॉट आई सेम डायरेक्शन में आंसर वन, जे डॉट जे सेम डायरेक्शन में आंसर वन। अब अगला पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे अगर वेक्टर ये के डॉट के, इसको अगर आप देखो तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? ज़ीरो। अब अगर आप सॉल्व करो के डॉट के, तो के डॉट के को जब हम सॉल्व करेंगे फिर हमारा आंसर क्या है जी? के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, तो के का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ज़ीरो क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो के का मैग्नीट्यूड वन, अगला के इसका मैग्नीट्यूड वन और कॉस ज़ीरो इसका इसकी वैल्यू वन, तो आंसर हमारा आ गया वन। तो के डॉट के इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा वन। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स इससे हम क्या रिज़ल्ट निकालेंगे? पैरेलल वेक्टर से हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट ये आया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, आई डॉट आई फिर जे डॉट जे और उसके बाद के डॉट के, इन सब का आंसर हमें क्या मिला? वन आंसर मिला। अब नेक्स्ट जनाब अली हम चलेंगे चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर फोर, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। इन केस ऑफ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, फॉर सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट द रिजल्ट इज स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जब सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट आएगा तो जो आंसर मिलेगा वो मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर एक वेक्टर हमारा ए है तो दूसरा वेक्टर जो है वो भी ए होगा, ए का ए के साथ हमने प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर वो भी ए होगा, जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। तो हमारा जो फार्मूला है वो है ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बैक कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब पहला वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर भी ए है, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे? बी की जगह ए, और यहाँ पे बी की जगह पे ए, ये ए ए का मैग्नीट्यूड, अगला ए इसका मैग्नीट्यूड और उसके बाद साइन ऑफ कॉज ऑफ थीटा। तो चूंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस इन दिस केस थीटा इक्वल टू ज़ीरो डिग्री, और ए की हाईएस्ट पावर है वन, दूसरा ए इसकी हाईएस्ट पावर वन, ए मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर कितना बनेगा? ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय कॉस ज़ीरो डिग्री, और कॉस ज़ीरो डिग्री इसका आंसर होता है वन, आंसर क्या बनेगा? ए स्क्वेयर, ए डॉट ए इसका आंसर हमें मिला ए स्क्वेयर। तो ये हमने चौथी प्रॉपर्टी जो है उसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी बच्चों, अब हम देखेंगे वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सॉल्व करने के लिए मुझे एक ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए। तो इसको हम ज़रा दोबारा से लिख लेते हैं, वेक्टर्स को हम सॉल्व करेंगे अब प्रॉपर्टी नंबर फाइव में इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर फाइव। और मैं यूज़ क्या करूँगा? यूज़ मैं करूँगा आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, इनका आंसर है वन, एक मैंने ये यूज़ करना होगा। उसके बाद दूसरी बात मैं जो यूज़ करूँगा वो है आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू k
के डॉट आई इसका आंसर कितना है? जीरो। नाउ इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सॉल्व करें तो फिर हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है सपोज ए, इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स बन सकते हैं वो है एक ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए एक्स आई, फिर वाई डायरेक्शन में ए वाई जे, और फिर ए जेड और के। उसके बाद जी बी वेक्टर को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा बी एक्स और आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई और जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड और के यूनिट वेक्टर। अब इनका हमने प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब इस केस में देखो कैसे लिखेंगे। अब ए वेक्टर की ना हमें वैल्यू बताई है, ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स साथ में आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई साथ में जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड और साथ में के यूनिट वेक्टर डॉट बी की वैल्यू जो है वो है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई और जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड और साथ में के यूनिट वेक्टर। अब मुझे सॉल्व इस तरह से करना है, पहला मेरे पास जो पार्ट आ रहा है वह है ए एक्स और आई यूनिट वेक्टर, इस ए एक्स आई को मैं इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ए वाई जे को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ए जेड के को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ए एक्स आई इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है बी के कंपोनेंट्स के साथ ए एक्स आई, और साथ में मैं लिख लेता हूँ डॉट, ये डॉट अपनी जगह पे, और ये आपका वेक्टर मल्टीप्लाई होने जा रहा है जी ए एक्स आई प्लस सॉरी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये एक पार्ट आ गया, प्लस अगला पार्ट ये वाला ए वाई जे, यानी पहले इसको सबसे मल्टीप्लाई करो फिर सेकंड टर्म ए वाई और जे यूनिट वेक्टर, फिर बीच में डॉट और क्या मिलेगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड और के यूनिट वेक्टर, और उसके बाद तीसरा पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर डॉट बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई सॉरी इधर बी नहीं आ गया इधर ए आएगा ए जेड के, तो बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड और के। तो अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना जी। अच्छा जी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखो मल्टीप्लाई कर दें ज़रा आप मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ और स्केल और वेक्टर को वेक्टर के साथ, लेफ्ट हैंड साइड बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई, ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड ने मल्टीप्लाई होना है बी एक्स के साथ बी वाई के साथ और बी जेड के साथ, और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी ये होगी थ्रू डॉट, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे जी ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हो गए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ। अब ये जो आपका आई यूनिट वेक्टर है और ये जो आई यूनिट वेक्टर है ये दोनों क्या हैं, ये तो वेक्टर हैं, तो क्या लिखो आई डॉट आई, वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई मल्टीप्लाई होगा, फिर आई डॉट जे होगा और फिर आई डॉट के होगा। अब ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया और इसका जो यूनिट वेक्टर आई है वो बी एक्स के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई हो गया बी वाई के साथ, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, साथ में
आई डॉट जे, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस अगली बात ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी जेड, ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई, ए एक्स का जो यूनिट वेक्टर है आई डॉट के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगली टर्म आ गई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी एक्स के साथ, ए वाई मैग्नीट्यूड है इसने मल्टीप्लाई होना है बी एक्स के साथ, फिर ए वाई का जो यूनिट वेक्टर जे है बी एक्स के यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई होगा जे डॉट आई, प्लस ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ, ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई और जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, जे सॉरी आई नहीं, जे ने जे के साथ था मल्टीप्लाई होना, तो जे डॉट जे, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और वेक्टर वेक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आएगा जी ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी जेड, ए वाई बी जेड से मल्टीप्लाई और ए वाई का जो यूनिट वेक्टर जे है ये मल्टीप्लाई होगा बी जेड के यूनिट वेक्टर के साथ, तो जे डॉट के प्लस अगली टर्म ए जेड मल्टीप्लाई होगा बी एक्स के साथ, ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी एक्स और फिर के डॉट आई, के मल्टीप्लाई होगा आई के साथ प्लस ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी वाई, ए जेड मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ और के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा ए जेड का के यूनिट वेक्टर और बी वाई का जे यूनिट वेक्टर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस ए जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा बी जेड के साथ, ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी जेड और के डॉट के डॉट के, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब बेटा आप इनकी बस वैल्यू लिख लो। अब आप देखो आई डॉट आई, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का आंसर है वन। आई डॉट आई की जगह हम क्या लिखेंगे, वन, जे डॉट जे की जगह पे वन और के डॉट के इसकी जगह पे भी वन और बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हैं। आई डॉट जे, इधर आई डॉट जे, इसका आंसर हमें मिलेगा ज़ीरो, आई डॉट जे इसका आंसर ज़ीरो, फिर आई डॉट के हो या के डॉट आई, इन सब का आंसर बनेगा ज़ीरो, जे डॉट के इसका आंसर ज़ीरो और सॉरी जे डॉट आई का आंसर ज़ीरो और जे डॉट के, ये जे डॉट के इसका आंसर भी ज़ीरो, फिर के डॉट आई इसका आंसर अगर ज़ीरो है तो फिर साथ में के डॉट जे का भी आंसर हमें मिलेगा ज़ीरो। तो जितनी भी हमारे पास आ रही हैं क्रॉस टर्म्स, एक तो सेम टर्म है दूसरी क्रॉस टर्म, इन सब का आंसर जो है वो हमें मिलेगा ज़ीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर हम इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स, यानी ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और वन से मल्टीप्लाई होकर ए एक्स बी एक्स ही आ जाएगा, फिर अगली टर्म ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो और उसके बाद ए वाई और बी वाई, यानी जो सेम वैल्यू वाली हैं टर्म्स वो उनका आंसर हमें मिलेगा ए वाई बी वाई और वन से मल्टीप्लाई होकर ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी जेड मल्टीप्लाई बाय वन, ये हमारा आंसर आएगा। मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये आंसर मिलेगा, क्रॉस टर्म मिलनी है, बाकी हमारा आंसर ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया प्रॉपर्टी नंबर फाइव और ये जो प्रॉपर्टी नंबर फाइव है ये है जी हमारे पास बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई किया है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई किया।
प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। अगर हमें दो वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारा क्या आंसर आएगा? तो देखो, एज वी नो दैट हमारा एक आंसर जो डेफिनेशन है हमारी स्केलर प्रोडक्ट की, वो है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन। एंड ए डॉट बी का हमने एक और भी आंसर निकाला है, ए डॉट बी का जो दूसरा आंसर आया है वो है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड, इसको बोलो इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन और टू इनको आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन और टू इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड जो है वो सेम होगी और हमारा जो आंसर बनेगा वो है ए बी कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट इक्वल, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई प्लस ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी जेड, और हमें निकालना है थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन के राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे और बटे से ऊपर सेम वैल्यू सेम कंपोनेंट जो कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक जो है ना वो भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, इसको आप याद करिएगा अच्छे से। तो ये हमारा जो पेपर में बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। अच्छा बच्चों, एक बात और वो है, ये आपने याद कर लेनी है, और इसमें हम देखेंगे एक सर्कल बना के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, एक जो सर्कल होता है इसमें जो टोटल एंगल होते हैं वो होते हैं 360। तो अगर हम एंगल बनाएं, ये सपोज पहला एंगल 0 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद फिर एंगल हमें मिलेगा 180, उसके बाद फिर 270 और उसके बाद फिर 360। याद आपने ये रखना है कि जो पहली बात हम स्टार्ट करेंगे ना वो हम लेंगे कॉस थीटा से, सॉरी साइन थीटा, पहला आप लिखो साइन थीटा और उसके बाद फिर वैल्यू हम लिखेंगे कॉस थीटा की। अच्छा जी, अगर आप पुट कर दो कॉस ज़ीरो साइन ज़ीरो डिग्री, तो साइन ज़ीरो जो है ना इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू है ज़ीरो और साइन 360 की वैल्यू जो है वो भी है ज़ीरो, लेकिन कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन है और कॉस 360 की वैल्यू जो है वो भी वन है। फिर साइन 180 जो है इसकी वैल्यू हमें मिलेगी ज़ीरो डिग्री, लेकिन कॉस 180 अगर हम पुट करें तो आंसर मिलेगा हमें माइनस वन। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमें जो वैल्यू मिलेगी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉस की मिलेगी, साइन की ज़ीरो ज़ीरो और ये वन और माइनस वन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में साइन 90 अगर हम पुट करें तो साइन 90 की वैल्यू होती है वन और साइन कॉस 90 जो है इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। फिर साइन 270 इसका आंसर जो है वो होता है माइनस वन और कॉस 270 जो है इसका आंसर होता है ज़ीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में साइन जो है वो चेंज होता है प्लस वन से माइनस वन या माइनस वन से प्लस वन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कॉस जो है वो चेंज होता है। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था, इस लेक्चर में मैंने कॉस 90 और उसके बाद कॉस 180 और कॉस 0 की वैल्यू जो है वो पुट की थी। तो ये था जी बच्चों हमारा लेक्चर, थैंक यू।